हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अमलेश फर्तियाल ब्लॉग में। तो दोस्तों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से अपने घर का डेकोरेशन करा है, और ये सब चीज़ें ही दिखाने जा रही हूँ। तो मैं बैक कमरा करके दिखाऊँगी आपको। और ये है, ये देखिए, आज जो है श्री राम के घर आने पर जो हम इतना अच्छा घर सजाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आज सुबह से क्या मैं 3-4 दिन से लगी हूँ, बट ये सोफ़े के कवर, चद्दर वगैरह ये सब मैंने जो है आज बिछाए हैं। और पिछली बार मैं ये पर्दे लेके आ रखी थी, और ये रेड है, यहाँ का जो है पेंट रेड है, तो मैं उसी के हिसाब से ही ये पर्दे भी लेके आ रखी हूँ। और अब मैं बगल वाला कमरा दिखाती हूँ आपको। तो ये पूरा ग्रीन रूम है, तो यहाँ के लिए मैं नेट वाले ग्रीन पर्दे लेके आ रखी थी, तो मैंने वो लगाए हैं, ये नेट वाले हैं ये, और मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन ये रखा है। और ये मैं पिछली बार लेके आई थी, पिछली बार भी मैंने लगाए थे, बट मैंने पिछली बार दिवाली का ब्लॉग नहीं बनाया था, तो ये देख सकते हैं आप। लेकिन नेट वाले हैं, बहुत ही हल्के हैं, और ये मैचिंग है बिल्कुल मेरे रूम से, तो इसलिए मैं दिवाली के दिन मैंने लगाए। बहुत हल्के हैं, तो मैं बाकी दिन जो है वो हैवी वाले जो हैं कर्टन लगाती हूँ। और ये चादर मैंने बिछाने के लिए रखी है, और ये भी मैं दिवाली के लिए लेके आई हूँ, ये इस तरह की है, और ये है रेड, ये मैंने अभी सुबह ही बिछा दी है। अब मैं आपको दिखाऊँगी बैक कैमरा करके, और मैं दिखाऊँगी मैंने भी आज एक साड़ी पहनी। तो दोस्तों, आज मैंने भी पहनी है दिवाली में, अभी मॉर्निंग में ये वाली साड़ी पहनी है, और जो नाइट में मैं थोड़ा हैवी साड़ी पहनूंगी, तो ये बहुत ही लाइट है, और ये मैंने मंगाई थी ऑनलाइन साड़ी, और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है ये। तो यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, आज मॉर्निंग से ही मैं लगी हुई हूँ। वैसे काफ़ी टाइम पहले से ही साफ़ सफाई हमारी दिवाली की होती है, बट इस दिन जो है थोड़ा ख़ास हो जाता है, हर चीज़ न्यू होती है। तो ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ, इससे पहले अभी मैंने दिखाया आपको, बट अभी जो है मैंने पूरा कम्प्लीट कर लिया है। और ये आगे है मंदिर, तो अभी मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। अभी मैंने मंदिर में सामान जो है सिर्फ रखा हुआ है, और हम शाम के बाद मंदिर जो है फिर अच्छी तरह से सजाएंगे, सारा सामान रखेंगे। तो ये है मंदिर, और ये मैं लेके आ रखी हूँ मंदिर में लगाने के लिए फूल की मालाएं, इसमें भी बहुत सारी मालाएँ हैं, मतलब ये सारा सामान जो है वो मंदिर का ही है। ये जितने भी सामान मैंने रखे हैं, ये सब कुछ जो है ये मंदिर का है, ये आप देख सकते हैं, फूल की माला, और इसमें भी बहुत सारे फूल की मालाएं हैं, भगवान जी के लिए भी मालाएं हैं ये, और इसमें है हमारे दीपावली के दिए, और इस बार मैं धनतेरस में लेके आ रखी हूँ पंचमुख वाला दिया, और ये मेरे पास नहीं था, और ये लेके आ रखी हूँ मैं एक डाड़ू, और इससे जो है आपका हाथ नहीं जलता है। धनतेरस में मेरे पास हर बार यही होता है क्या लेके आऊँ, और ये है ड्राई फ्रूट, बाकी यहाँ पर सब मिठाई को दिखाती हूँ मैंने धनतेरस में क्या क्या लिया है, और अभी दिवाली में उनको लगाने जाती हूँ सारा सामान। ये मैंने ली है फूल की माला, और ये दो मालाएं ली हैं फूल की, बड़ी माला जो मेरी बड़ी मूर्ति है, तो उसमें लगाऊंगी मैं उसको, ये है वो दो फूल की माला, बहुत प्यारी सी हैं, बहुत प्यारा सा कलर है, और इसमें मोतियों का काम बना हुआ है पूरा। तो ये मैं लगाऊंगी अपने माता रानी की ना फ़ोटो पे, और ये हनुमान जी की फ़ोटो पर, ये दो काफ़ी टाइम से उनके पास ना पुरानी मालाएं थी, और जो मैंने निकाल दी हैं अभी, ये पुरानी होगी, कब से लगा रखी थी, तो इनको आप रख देते हैं और नई मालाएँ लगाते हैं। और ये जो है
ये भी लेके आ रखे हैं वाइट। तो फिर चलिए सजाते हैं घर को। आज श्री राम आने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ।